अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने ही नंबर से प्रैंक कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो आपके मोबाइल पे प्राइवेट कॉल आ जाएगी, या जो भी नंबर आप लिखेंगे, जो भी नाम उसके ऊपर लिखेंगे, जितना आपने शेड्यूल किया होगा, जो टाइमिंग आपने सेट की होगी, उस टाइमिंग के हिसाब से उसी वक्त आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल आ जाएगी और कॉल रिसीव भी होगी। आप किसी के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट से अंत तक लाजम मेरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और बेल के आइकन प्रेस लाजमी कीजिएगा। इसका फायदा यह होगा कि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आएंगी वो सबसे पहले आप देख सकेंगे। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के जरिए आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। हम करते हैं इसको ओपन। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस जो होगा वो दिखाई देगा। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपने जस्ट सेट करना है कि जिस नंबर से आपके मोबाइल फ़ोन पे कॉल आनी है उसका नाम क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट नंबर, ठीक है। उसके नीचे नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, यहाँ पर आप वो नंबर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें पिक्चर वगैरह सेट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से जाकर कोई भी पिक्चर अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेव, यहाँ पर ये जो आपको सेव वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर प्रेस करना है। इस पे प्रेस करेंगे तो ये आपसे टाइम मांग रहा है कि कितने टाइम बाद कॉल आनी चाहिए। यहाँ पर हम 10 सेकंड पर प्रेस करते हैं और ये काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है और अभी जैसे ही ये 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास कॉल आ जाएगी। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉल आ चुकी है। अभी हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। इसके बाद हम बैक आते हैं और अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इस कॉल को रिसीव आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस कॉल को रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव भी कर सकते हैं। उसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। यहाँ पर आपने ये जो सेटिंग आपको नज़र आ रही है आपने इसमें आ जाना। यहाँ पर लिखा हुआ प्राइवेट नंबर वाइब्रेट, इसको आप यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। और रिंग ट्यून अगर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन टॉक टाइम, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको ओपन कर रहा है और यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है कि कितनी देर कॉल आपकी जो है वो अगर आप रिसीव करेंगे तो कितनी देर बात आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 15 सेकेंड ही सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद हम आते हैं बैक और दोबारा से यहाँ सेव पर प्रेस करते हैं और यहाँ से 10 सेकेंड का टाइम लेते हैं और उसके बाद हमारे पास कॉल आएगी और हम इसको रिसीव भी करेंगे। तो गाइस, ये कॉल हमारे पास आ चुकी है, हम इसको करते हैं यहाँ से रिसीव। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये हमारे सामने कॉल रिसीव हो चुकी है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रैंक है, ये ओरिजिनल वर्क करता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है। और अभी मैं आपको बता दूं कि आप नाम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी आप नाम यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं रखता हूँ रिजवान और ये हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप कोई भी नंबर वगैरह अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर भी अपना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सेव करते हैं और दोबारा से अब कॉल आएगी तो मेरा नाम ऊपर लिखा होगा और नीचे नंबर 007007 शो होगा। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर नाम रिजवान लिखा हुआ है और 007007, इसको अगर रिसीव करेंगे तो हमारे सामने ये कॉल लग चुकी है इस वक्त। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन पसंद आएगी। सो गाइस, ये थी आज की एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।